समाज सेवा विद्या से उत्कृष्ट साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा Gracias.
बनाना चाहते हैं उसके साथ मैंने जाकर और कम कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल अपडेट करना है। और उसके बाद ये राष्ट्रपति प्रदान करते हैं, इसके अलावा और कौन सा हार्दिक सम्मान है? इसके बाद पद्म भूषण, और उसके बाद पद्म भूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्मभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये चार सम्मान है जो राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है भारत के नागरिकों को, अगर वो किसी भी फील्ड में उत्कृष्ट काम करते हैं तब वो सम्मान उनको प्रदान किया जाता है। ये क्या नेक्स्ट बताएं कि आप लोग हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार सहायक सहायक जो पुरस्कार की राशि है 5 लाख रुपए है, ये याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं।
ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है और शुरू कब से हुआ है 1995 से हुआ है। याद रखिए डेली एग्जाम में आता है कि गांधी शांति पुरस्कार कब से शुरू हुआ है 1995 में शुरू हुआ है। कौन देता है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा देता दिया जाता है, ये भी याद रखेंगे। और इसमें जो राशि है ये 1 करोड़ है, याद रखिएगा 1 करोड़ की राशि दी जाती है। वेरी
दिया हो जो हमारे लिए काम करते हैं। नोबल पुरस्कार किसे दिया जाता है? नोबल नोबल या नहीं मिला।
वाले किस देश के हैं, कभी कभी किसे दिया गया है और कभी कभी इन्हें किस लिए दिया गया है, इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में क्या ढूंढा या भौतिकी के क्षेत्र में इन्होंने क्या नया आविष्कार किया, तो अब आविष्कार पूछने लगा और डीप जा करके पूछने लगा कि ये ट्रेन हो गया। और दूसरा हमेशा नोबल ही नहीं पूछता, आप देखते बहुत ज़्यादा ऐसा एग्जाम में कभी नोबल पूछना ही नहीं है, क्योंकि नोबल का इतना ज़्यादा ट्रेंड चल गया कि वहाँ से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने लगा, फिर बच्चे सिर्फ नोबल ही रखने लगे, फिर उसको छोड़ करके अब पूरे पेचर से आने लगे क्वेश्चन, फिर आपका अन्य जो पुरस्कार है इनसे क्वेश्चन आने लगे, तो दूसरे पुरस्कार को भी ध्यान देना, ऐसा नहीं कि नोबल सबसे बड़ा है, दूसरे भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी या मोस्टली एग्जाम में नोबल छोड़ करके दूसरे पुरस्कार पूछ लेते हैं, क्योंकि बच्चे नोबल ही रटते रह जाते हैं, क्षेत्र में कम से कम 3 से 4 व्यक्तियों को हर साल मिल जाता है, सिंगल ही कोई व्यक्ति होता है किसी क्षेत्र में, नहीं तो मोस्टली 2 से प्लस ही होते हैं, वो याद करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, यही इंपॉर्टेंट बच्चों। साथ ही आप बताएंगे कि भारत में नोबल पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया, नोबल मिला है इनको
व्यापार पे रोक लगाओ, बचपन बचाओ, कौन सा? बचपन बचाओ, जो छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है, उनकी बचपन खत्म हो जाता है, इसी के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था, बचपन बचाओ आंदोलन। और 2014 में इनको नोबल दिया गया है। और किसके साथ? सबसे कम उम्र के ऊपर पाने वाले हैं। और ये बाल अधिकारों के लिए आंदोलन से चलाया था और इसी के लिए इनको नोबल दिया गया है। याद रखिए, और 2014 की घटना में ये याद रखिएगा। चलिए, आपके लिए क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। 1954 में स्थापित भारत रत्न सम्मान पहली बार सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी वी रमन को प्रदान किया गया था। दूसरा, एक वर्ष में यह सम्मान अधिकतम 3 लोगों को प्रदान किया जाता है। सही है, सहायता से बताना है। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों सही है ना? यस, कोई डाउट? ये भी सही है। दोनों सही है, बिल्कुल। मूर्ति देवी की 23 है।
एक तरफ है वैज्ञानिक जिनको नोबल मिला है, दूसरी तरफ उन्होंने क्या ढूंढा है इसको आपको मिलान करना है। तो पहले है सी वी रमन, फिर है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उसके बाद है कैलाश नाथ सत्यार्थी और है अमर्त्य सेन। दूसरी तरफ दिया है एस्ट्रो फिजिक्स व सौर मंडल से संबंधित, और नेक्स्ट है आपका प्रकाश के प्रभाव की खोज कलाम आजाद मदर टेरेसा।
90 प्लस मान लो तो ये बात की जितनी बात हो तो ये नहीं सीखे एक नेशन बन गया ना दो भाग कर 79 दिन को मोहन मिला है और 80 दिन को भाग कर तुम दिया गया क्या मतलब जैसा Thank you.
एक नसों में दिया है भारतीय ज्ञान पीठ न्यास, भारतीय ज्ञान पीठ न्यास के द्वारा प्रदान किया जाता है मूर्ति पुरस्कार और सरस्वती सम्मान को प्रदान करता है के बिरला फाउंडेशन। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा सरस्वती सम्मान। और व्यास सम्मान किस क्षेत्र के लिए बेहतर काम, हिंदी भाषा में बेहतर साहित्यकार को दिया जाता है व्यास सम्मान, 5 लाख रुपये का ये होता है राशि। ये जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये आप लोगों को इसे अपडेट करना होगा कि कौन कौन सा पुरस्कार, मतलब किस ईयर में किसको कौन सा पुरस्कार मिला है, ये आप लोगों को बार बार इसे अपडेट करना होगा। कल आपका रहेगा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो हम देखेंगे यूनेस्को, यूनेस्को को पढ़ेंगे, यूनेस्को से संबंधित जितने भी आपके, हाँ इसलिए